अभी आपका जो क्वेश्चन था जुपिटर फिंगर वाला, मतलब आपका था फिंगर वाइज ना, मैंने हाँ जी सर, कल क्या पढ़ाया था, जुपिटर फिंगर इज ए सिंबल ऑफ सेल्फ एस्टीम पढ़ाया था, हाँ जी गुडी सर, नेचर स्पेशली मीठा, स्पिरिटिज्म, ठीक है। थ्री हाँ फैलेंज ऑफ जुपिटर फिंगर रिप्रेजेंट व्हाट, पहले पहला फैलेंज जो होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फिंगर है, यहाँ बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये फिंगर है, ये पहला फैलेंज, ये दूसरा फैलेंज और ये तीसरा फैलेंज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, याद रखना गिनती हमेशा ऊपर से होगी। द फर्स्ट फैलेंज डिनोट्स मेंटल पार्ट्स लाइक डिवोशन ऑफ गॉड, सेकेंड फैलेंज डिनोट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइक सर्विसिंग गॉड, भगवान की पूजा करना, सेवा करना। थर्ड फैलेंज इज अ मेटरलिस्टिक थिंग लाइक स्प्रेडिंग गॉड वर्क, भगवान के बारे में सबको बताना, जबरदस्ती पकड़ के मंदिर ले जाना, बताना कि भगवान की पूजा करने से क्या फायदा होता है, ये हो गया तीनों फैलेंज। हाँ मैंने सुना हियर आई हैव टेकन द वन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर सिग्निफिकेंस टू मेक इजी दैट हाउ ऑल थ्री फैलेंजेस वे रोल। आपको मैंने कल बताया था मीठा खाने के बारे में भी बताया था कि अगर जुपिटर का कारक मीठा खाना भी होता है, आप उसको तीनों फैलेंज से कैसे देखोगे, करेक्ट। जी अभी आप देखिए, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जुपिटर फिंगर इज स्लाइटली बिलो टू इट्स नेचुरल पोजिशन, और जुपिटर फिंगर इज लेस देन 50% ऑफ सैटर्न फर्स्ट फैलेंज, इट रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ, आप समझे, देखो मैंने ये बताया जुपिटर फिंगर, करेक्ट, हाँ और ये सैटर्न फिंगर है, इसका बेस यहाँ पे, इसका बेस यहाँ पे, ऐसा ही होता है ना। हाँ जी सर, मगर मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ कि अगर बेस यहाँ आ जाए, ठीक है, या के 50% तक है, 50% से ना जाके थोड़े नीचे हो जाए, तब आपका जो जुपिटर के सिग्निफिकेंस है वो वीक हो जाते हैं, कारक के जो कारक हैं वो वीक हो जाते हैं। समझ में आया अनुज, अजय, हाँ जी प्रशांत, सर, समझ जी आया, सर, दोनों जी कंडीशन में जुपिटर की फिंगर छोटी हो गई ना, कंडीशन सर, वो 50% तक नहीं पहुंच रही है ना, जुपिटर वीक हो गया। अगर आप उस आदमी की कुंडली उठा के देखोगे तो जुपिटर आपको वीक ही मिलेगा, अगर डिवाइन डी वन में वीक नहीं मिला तो बेट लगा के आप देख सकते हो डी नाइन में वीक मिलेगा, मिलेगा, डी वन हो गया लग्न चार्ट, डिवाइन हो गया नवांशा चार्ट, नवांशा चार्ट, जुपिटर 100% वीक हो गई होगा, ठीक। मगर आपका सेकंड क्वेश्चन था, इफ द जुपिटर फिंगर बिकम्स हाईली लॉन्गर देन इट्स यूजुअल साइज देन इट इंक्रीजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ जुपिटर प्लेनेट। अभी आपके जुपिटर फिंगर है और ये सैटर्न फिंगर है, ये बड़ी थी, ये 50 की जगह 80% तक आ गई, तो क्या फिंगर 80, मैंने ऐसे नंबर लिया, आप 80 पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ क्रॉस किया 50% से ज्यादा उसको, तो क्या हो गया, जुपिटर के जो होंगे ऐसे दृष्टि, ऐसे में क्या होता है, जुपिटर पे जो एस्पेक्ट होगा किसी प्लेनेट का वो अच्छा होगा, बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट होगा कुंडली में, मैं इसको कुंडली बता रहा हूँ, वरना आप अगर आप सीधा सीधा अगर मैं पाम में बताऊं तो जुपिटर आप बोल सकते हो कि आपका जुपिटर अच्छा है, जुपिटर इज वेल प्लेस्ड, ठीक है। हाँ अभी आप अपनी अपने अपने फिंगर देखो, सब लोग, आप लोग अपने अपने फिंगर देखो, और अगर आपको कहीं पे चार फैलेंज दिखता है, ठीक है, अभी देखो मैंने फिंगर बनाई है, ये जुपिटर की फिंगर मैंने बनाई, ठीक है, अभी आप देखो इसमें फोटो में देखो फिर समझ पाओगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, करेक्ट, जी क्लियर, तो समझ में आएगा। अगर आप कभी भी देखोगे, मान लो यहाँ पे एक लाइन और आ गई है, या यहाँ पे एक लाइन और आ गई है, या यहाँ पे एक लाइन और आ गई, तो जिस भी फैलेंज में वो चौथी लाइन आई है उस फैलेंज के सिग्निफिकेंस को उसने खत्म कर दिया। यहां तक समझे अनुज? बट सर, ऐसा पॉसिबल है अरे आप बहुत देखो, सारे? आप अपना हाथ देखो, अभी घर में कितने लोग हो, 5-6 लोग, हाथ देखो अभी समझ में आ जाएगा, पॉसिबल क्या है। आप एक चीज ध्यान सर रखना, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ अगर उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज सिर्फ बुकिश नॉलेज है, जो बुकिश नॉलेज होगी वो मैं आपको पहले बता दूंगा, ये सिर्फ बुक में मिलेगा कहीं और नहीं मिलेगा, ओके वो पहले ही बता दूंगा, दिस इज ओनली इन बुक, जैसे मैंने आपको चिल्ड्रन वाला बताया था ना कि हाँ बच्चे जी पढ़ा दूंगा पर आप सर्टेनिटी से बता नहीं पाओगे कि बच्चे कितने होंगे, इसी हाँ तरह अगर मैं आपको फोर फैलेंज लिख के दे रहा हूं तो लोगों के हाथ में फोर फैलेंज होता है,
जरूरी नहीं जो ओके किसी ना किसी फिंगर में आप देख लो शायद दिख जाए, कोशिश करो। ओके क्या? जी सर, हाँ बोलिए। सर ऐसे मतलब केवल एक सिंगल लाइन होना चाहिए उसमें फैलेंगे। हाँ सिंगल, नहीं, आप समझे नहीं, सिंगल लाइन नहीं डबल लाइन भी आ सकती है वो, वहां पे लाइन डबल भी आ सकती है, मतलब 3 से ज्यादा फैलेंस हो जाएंगे आपके पास। सर यहाँ पे मतलब हमारे तो हर उसमें हर उंगली में ऐसी डबल डबल फैलेंगे फिर तो। अभी हम देखेंगे आपका डबल फैलेंस हर उंगली में अगर है तो आपके सारे प्लेनेट खराब है। वैसे जनरली ऐसे भगवान इतना इतने क्रूर नहीं होते, होते हैं नहीं भाग्य क्रूर होता है, पर इतना नहीं होता कि आप बोल रहे हो कि मेरे सारी उंगलियों में चार चार फैलेंस आ जाए, नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो आप डबल बोल रहे हो ना, देखो ये मान लो जुपिटर फिंगर मैंने बनाई, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, दो लाइनें आ सकती, तो भी बात वही है, आपका ये सेकंड फैलेंस डेड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी आपके जुपिटर के सिग्निफिकेंस वीक हो गए, जुपिटर आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड हो गया। ठीक है, ठीक, जी सर, ये ध्यान रखना आप। अभी आप अभी जब हम वीडियो ऑन करेंगे तब आप अपना हाथ दिखा देना, ठीक है। इफ देयर इज एनी होल, होल मतलब समझे चक्र, ठीक है, इफ देयर इज एनी होल इन फर्स्ट फैलेंज इन सम वर्टिकल लाइन कटिंग, ऐसी कोई लाइन आ रही है फर्स्ट फैलेंज में, जुपिटर का मान लीजिए ये फिंगर है, इस एरिया में ऐसा कोई चक्र बना हुआ है और उसमें एक ऐसी लाइन आ रही है, सो जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जुपिटर बहुत पावरफुल हो जाता है, ऐसा व्यक्ति का जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक ओके सर, है, प्लीज से यस नो रिपीट एनीथिंग, एटलीस्ट इफ यू से देन आई विल नो कि आई पीपल आर लिसनिंग। जी तो अगर चक्र आया, चक्र आया, अब ये ध्यान रखना कि राइट हैंड में क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड, एंटी क्लॉक। ठीक जी है, ये आएगा तो जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग हो गया चार्ट में, ठीक है। अब ओके सर, एक चीज ध्यान रखना, आप अभी अगर आप लोग अपना हाथ देखोगे, ठीक है, देखो तो आपके हाथ में सपोज ये जुपिटर फिंगर है, ठीक है, ओके आप देखोगे ना ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइनें, मैं थोड़ा वैसे बनाया, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें होंगी, लंबी लंबी लाइनें होंगी, लंबी लंबी लाइनें होंगी, दिख रही हैं? ठीक जी है, देखो अभी मैंने आपको बताया अगर ऐसी लाइनें हैं तो ये अड़चन लाइन होती है, अड़चन, अड़चन का मतलब ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्ट्रक्शन। आप मैंगलोर में हो, बट यू हिंदी सो गुड, हाउ प्रशांत? मैं टिल 10th आई स्टडीड इन कैलकटा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, बट यू आर मैंगलोरियन, हाँ आई एम मैंगलोरियन। योर हिंदी इज गुड बिकॉज आई वॉज इन बैंगलोर फॉर, मैंगलोर फॉर 6, बैंगलोर फॉर 6 मंथ एंड मैंगलोर फॉर 1 मंथ, ओके आई लर्न लिटिल लिटिल, सल्पा सल्पा, कुदकोड़ी, निमसा, हाँ एंड हाउ आर यू, सर, चलेगा चंद्रगिदा, चंद्रगिदा समथिंग लाइक दैट। सो सर। आई टोल्ड यू इफ देर इज अ हॉरिजेंटल लाइन्स इट मीन्स इट्स अ ऑब्स्ट्रक्शन लाइन, करेक्ट, करेक्ट। बट इफ इज वर्टिकल लाइन इट इज दैट प्लैनेट। तो होता क्या है, सपोज हियर इज अ जुपिटर प्लैनेट, अब इसे रेजेस आ रही हैं, सो दीज लाइन आर हेल्पिंग टू गो दीज रेजेस इनटू द बॉडी, दिस अच्छा लाइन इज लाइक दिस, इट विल स्टॉप इट। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? जी इसकी वजह से बोलते हैं कि लंबी लाइनें हैं, बट एक चीज इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज दिस, ओल्ड एज में ये लंबी लाइनें आ जाती हैं, फिर इसका कोई मतलब नहीं है। अभी आप किसी 50 साल के बुजुर्ग का हाथ देखो, बुजुर्ग तो नहीं बोलेंगे 50 साल के, पर किसी 50 साल के व्यक्ति के हाथ में देखो लंबी लाइनें हैं तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अरे कोई हाँ 25 जी लड़के के हाथ में लंबी लाइन है, 30 साल के हाथ के लड़के के हाथ में, लड़की या लड़के के हाथ में लंबी लाइन है, तब इस लाइन का इम्पैक्ट भी है, 50 पे आके क्या मतलब है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉडी, चेंज इन बॉडी, करेक्ट। सेकेंड इज है, जी सेकेंड इज सिक पर्सन, रोगी, कोई बीमार है, अब उसके हाथ में ऐसी लाइनें आ गई तो दिस लाइन हैज नो मीनिंग, क्योंकि ये बॉडी में किसी चीज की कमी हो गई है उसकी वजह से ये लाइन आई है,
ठीक है। सो वर्टिकल हाँ गुड, बट इफ वर्टिकल लाइंस आर कमिंग ड्यू टू द ओल्ड एज और ड्यू टू दिस सम सिकनेस, देन इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, जी, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। हाँ जी सर। इफ देयर इज अ हॉरिजेंटल लाइन ऑन द सेकंड और थर्ड फैलेंज ऑफ जुपिटर फिंगर, देन यूजुअली द ऑस्पिशियस साइन इज नॉट अवेलेबल ऑन द जुपिटर माउंट। अगर आपके जुपिटर फिंगर पे ऐसी लाइनें हैं, ऐसी ऐसी 1 2 3, तो आपके जुपिटर माउंट पे जनरली ऑस्पिशियस साइन नहीं होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? शैल आई रिपीट? अनुज जी आपको समझ, मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा भी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ आपको पूछना पड़ेगा ना, 4 बार पूछो, पूछने में ये जुपिटर की फिंगर है फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट, जी और ये जुपिटर का माउंट है नीचे, उसके नीचे माउंट होता है, जी ठीक है, पर्वत जी सर, है। अब वो क्या शास्त्र क्या बोल रहा है कि अगर ये सेकेंड या थर्ड फैलेंज पे आड़ी लाइनें आ गई, ऐसी लाइनें आ गई, ठीक है, तो यहां पे कोई भी बेनिफिक साइन नहीं होगा, अच्छा नहीं जनरली नहीं आएगा, मगर अगर ये साइन आ भी जाते हैं तो इस साइन का नो मीनिंग है। समझ में आया? अगर सर, इस साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये जब चीजें जो पढ़ रहे हो ना, ये आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब ये चीजें ऐसी नहीं है कि सब किसी देश काल परिस्थिति में चेंज होंगी। क्या बोल रहा है? अगर सेकेंड और थर्ड फैलेंज में ट्रायंगल आ जाता है इंडिपेंडेंट वे में, देखो इंडिपेंडेंट वे और डिपेंडेंट वे में दोनों बता देता हूँ, दो एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको क्या क्लैरिटी बनी रहेगी उनका। जुपिटर फिंगर है, इसको फिलहाल इसको एक्सेप्ट करते जुपिटर फिंगर है। अब मुझे बताओ ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है? दिस इज पिक्चर नंबर वन और दिस इज पिक्चर नंबर टू, बताइए कौन सा ट्रायंगल इंडिपेंडेंट है? आप दोनों लोगों में से, तीनों लोगों से बताइए। चलो कोई नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जी जो जो राइट सेकंड वन है वो इंडिपेंडेंट। देखो, इसको एक तीसरी लाइन का सपोर्ट मिला है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी से बना हुआ, ये इंडिपेंडेंट है, बिना किसी सपोर्ट के बना हुआ, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वे। ठीक है, अगर आपके फिंगर में सेकंड या थर्ड फैलेंज में ऐसा ट्रायंगल किसी को दिखे, तो आदमी जिस भी प्रोफेशन में होगा उसमें बहुत सीनियर पोजीशन तक पहुंचेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो टीचिंग में, प्रीस्ट में या पॉलिटिशियन होगा, मतलब स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का डीन हो सकता है, HOD हो सकता है, किसी मंदिर का पुजारी हो सकता है, मठाधीश हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। ठीक है, अगर ट्रायंगल मिलता है इंडिपेंडेंट वे में सेकंड और थर्ड फैलेंज में, ठीक, अगर फिंगर सैटर्न ये जुपिटर फिंगर के सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट फैलेंज होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कभी मिस ना करो आप लोग, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, स्क्वायर जहां भी आ जाए, स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। जो भी प्रॉब्लम जुपिटर फिंगर में है, जुपिटर माउंट में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी अगर स्क्वायर आता है इंडिपेंडेंट वे में। देखिए मैंने लिखा, इधर इज स्क्वायर साइन ऑन द सेकंड एंड थर्ड फैलेंज, इट इनहेंसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द जुपिटर माइंड माउंट, प्रोटेक्ट नेटिव फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑब्स्टेकल। जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल आने वाले हैं उस नेटिव का, वो जुपिटर फिंगर की, वो स्क्वायर की वजह से सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बट ट्रायंगल और स्क्वायर मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंट वे में होना चाहिए, किसी का सहारा नहीं होना चाहिए। अगर किसी लाइन पे, अगर ये बना या ऐसे बना, तो उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, इसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी क्योंकि ये किसी तीसरी लाइन के सपोर्ट से बन रहा है, इसलिए दिस इज नो नो ग्रेट वैल्यू। इट इज कंसीडर्ड टू बी हैव ए क्रॉस एंड सिंबल ऑन फैलेंस, दिस इंक्रीजेस द बेनिफिट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ जुपिटर। प्लैनेट होना चाहिए यहाँ पे, प्लैनेट
इफ द वर्टिकल लाइन ज्वाइन दिस क्रॉस साइन इट इंडिकेट्स द पर्सन रिसीव द मनी फ्रॉम द स्पाउस। यानी देखिए मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बना ऐसा, हाँ जी ऐसा आ गया, ऐसा बना, ऐसा आ गया। इस पे होता मगर अगर आ गया तो भी समझ लीजिए, अगर ऐसा आ गया ठीक, या फिर स्टार बना और लाइन आ गई, स्टार बना और लाइन आ गई, और स्टार बना और लाइन आ गई, ठीक है। तो क्या लिखा है, पर्सन विल रिसीव मनी फ्रॉम स्पाउस, अच्छा पैसा मिलने का जो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाँ जी सर ये ध्यान रखना, इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ये सब आपको दिखेगा, फिर आपको क्या नाम है, वापस से नोट्स पलटना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। क्रॉस और स्टार साइन विल रिजल्ट एज, क्रॉस का साइन ये हो गया और स्टार का साइन ऐसा हो गया, ये दोनों जो हैं वो क्या है, स्टार के साइन है, ऐसे बनेंगे। बड़ा बना रहा हूं ताकि समझ में आए, ये स्टार, ये दोनों क्या हो गए, स्टार के साइन। याद रखना अच्छा क्रॉस और प्लस में अंतर होता है, ये प्लस का साइन है, क्रॉस नहीं है भाई। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तब मुझे ध्यान है कि ये भी बताना चाहिए, प्लस और क्रॉस में अंतर होता है, ये क्रॉस है, ठीक है। अगर हाँ क्रॉस जी किसी भी अगर एक्सटेंसिव ट्रेवल, इफ इट इज ऑन द फर्स्ट फैलेंज, ये फिंगर है, अगर इस पे क्रॉस का या स्टार का साइन आ जाता है तो वो बोलता है बंदा बहुत ज्यादा ट्रेवल करेगा। अगर सेकंड फैलेज पे क्रॉस या स्टार साइन आता है देन गुड लक एंड वेल्थ, और अगर थर्ड पे आता है तो इट इज लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी अच्छी करता है। इसको समझने में कोई डाउट है, याद तो नहीं होगा, समझने में कोई डाउट हुआ अभी तक? नहीं सर तो काफी क्लियर देखो देखो क्या है ना, समझने में जी अगर समझने में डाउट होगा देन आई कैन रिपीट, याद तो आपको करना पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, कोई भी हाथ देखना पड़ेगा तो समझ रहे। समझने में कोई डाउट हो रहा तो बताना, ठीक है। भाई सर आइलैंड का साइन कैसे बनता है, एनी आइडिया? कोई कभी कभी मेरे से थोड़ा ये टेढ़ा बन गया, मैं सीधा बनाता हूँ। ये सपोज फिंगर है, आइलैंड का साइन, आपने गेहूं का दाना देखा, चावल या गेहूं का दाना, हाँ जी हाँ ग्रेन, वीट ग्रेन, राइस ग्रेन और वीट ग्रेन, गेहूं और चावल का दाना जो होता है बिल्कुल उसी शेप में होता है आइलैंड, आइलैंड आइलैंड को ही और भी बोलते हैं यव साइन, यव चिन्ह बोलते हैं। अगर आप कोई कोई बुक और पढ़ लोगे कंफ्यूज होने के लिए तो उसमें कहीं कहीं पे यव चिन्ह भी है, तो आइलैंड अंग्रेज लोग बोलते हैं, हम लोग यव चिन्ह बोलते हैं। दिस कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, दिस ये मतलब ये अच्छा साइन नहीं है। अगर ये आता है तो ये बोलेगा कि आपकी शादी नहीं होगी, शादी होगी तो बहुत तकलीफ से होगी, अगर हो भी गई तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा बहुत होगा, लंग डिसीज होगा, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन मतलब बेइज्जती आदमी को झेलनी पड़ेगी अपनी पूरी लाइफ में, और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी लाइफ। अगर आईलैंड का साइन, ओके फिर भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस फैलेंज पे आइलैंड का साइन, क्रॉस का साइन, स्टार का साइन जनरल नहीं आता है, ठीक है, जनरली नहीं आता है, पर मैंने लिखा है एक बुक में, आप पढ़ना तो ये चीज ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना, जनरली यहाँ पे ये साइन नहीं आते, यहीं आएंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। अगर आइलैंड का साइन आता है तो इट्स अ वेरी बैड ओमेन, बैड ओमेन मतलब अपशकुन, कि अपशकुन है। दिस साइन गिव्स इनऑस्पिशियस रिजल्ट लाइक नो मैरिज, एंड इवन इफ द मैरिज टेक प्लेस देन देर इज अ क्वारल बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन उसको झेलना पड़ेगा, और हमेशा कोई ना कोई उसको बंदे बेचारे बंदे को, लड़के को या लड़की को, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ उसको लाइफ में बनी रहेगी, ठीक। ये सारा आपको याद करना है, वन बाय वन पढ़ना है, याद करना है। अगर रिंग या सर्कल का साइन आता है, देखो रिंग या सर्कल, ठीक, ये कौन हाँ जी से का साइन है,
प्रशांत जी मैंने आपको बताया होगा तो सन 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 माउंट का है सर। का है। ठीक है प्रशांत, हाँ अनुज जी जी, सर। तो अगर रिंग या सर्किल ऑन एनी फैलेंस देन द पर्सन कैन बी अ डीप अकल्ट साइंस और साइकोलॉजिकली उसको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी पर आंख की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर ओके यहाँ पे या यहाँ पे ऐसा कोई साइन आता है तो उसको अच्छा मतलब किसी न किसी ऑकल्ट साइंस का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होगा मगर उसको आँख की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक जी। अभी देखो ग्रिल का साइन मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखना, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, इसके अलावा कोई भी साइन ग्रिल का साइन होता नहीं। ग्रिल का मतलब अगर आप पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है जाली का चिन्ह। ठीक है, देन इट इज वेरी जी फिशियल एंड सच पर्सन कैन गेट कॉट इन सम स्कैम गो टू जेल एंड सच पर्सन कैन बी डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। अगर किसी के फैलेंज में, किसी के जुबली फिंगर के फैलेंज में, यहाँ पे जाली का ग्रिल का साइन आ रहा है, ग्रिल का साइन आ रहा है, तो वो बंदा किसी ना किसी स्कैम में फंस सकता है, जेल जा सकता है। और ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करना। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये कभी कभी मिलता है, कभी कभी मिलता है। इफ एनी वर्टिकल लाइन कट द जंक्शन लाइन ऑफ सेकेंड फैलेंज एंड देन द नेटिव मे बी हार्मफुल एंड डिसऑनेस्ट। अभी ये बोल रहा है वो। ठीक है, मैं हाँ कलर चेंज करूँ, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। ठीक है, वो ये बोल रहा, ये बोल, अगर अगर कोई लाइन ऐसे कट करती है, ठीक है, अगर वो बोल रहा है ये लाइन अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे लाइन कट करती है देन द नेटिव मे बी हार्मफुल एंड डिसऑनेस्ट। ठीक है, ओके समझ रहे हो आप? आपको ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? नहीं, मैं वापस से बना दूं? हाँ जी सर। वो वर्टिकल लाइन कोई भी फैलेंज कट करे तो नेटिव इज देखो डिसऑनेस्ट। यहां पे बताता हूँ, यहाँ पे जगह भी है तो आपको समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जुपिटर फिंगर है, इतना तो अपन समझ रहे हैं, करेक्ट? ये फर्स्ट फैलेंज है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, इतना तो समझ रहे हैं। वो क्या बोल, जंक्शन लाइन कट द सेकंड फैलेंज, यानी अगर ये इसको कट, ऐसी कोई वर्टिकल लाइन कट कर देती है। हमने क्या पढ़ा था? वर्टिकल लाइंस आर गुड, गुड पढ़ा था ना? पढ़ा था ना वर्टिकल, अभी तो कुछ देर पहले पढ़ा, वर्टिकल लाइंस आर गुड। जी। वर्टिकल लाइन जंक्शन लाइन, हॉरिजॉन्टल थोड़ी अच्छी हाँ, नहीं है। हॉरिजेंटल अच्छी नहीं होती है, वर्टिकल अच्छी होती है। मगर एक्सेप्शंस भी तो आपको पता होने चाहिए कि अगर वर्टिकल लाइन है, जंक्शन लाइन को काट दिया, ये इस लाइन को जंक्शन लाइन बोलते हैं, ये इस लाइन को जंक्शन लाइन बोल रहे हैं। ठीक है, जहाँ आपका फिंगर मुड़ती है ना वो जंक्शन लाइन, आप फिंगर मोड़ के देखोगे तो जहां जहां मुड़ती है वहां वहां लाइनें बनी हुई। अगर कोई वर्टिकल लाइन इसको कट कर देती है तो पर्सन हार्मफुल या डिसऑनेस्ट होगा। मगर यही चीज अगर थर्ड फैलेंज के लिए आ जाए, ऐसे कट जाए, ठीक है, वुड हैव अ ग्रेट डिजायर फॉर अदर वेल्थ। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए क्या लिख रहा हूँ। ऐसे लोगों को घर लाने लायक नहीं है क्योंकि ये जब घर में आएंगे तो माँ बहन बेटियों पे नजर रखेंगे। अगर ये थर्ड लाइन यहाँ पे कट करती है तो सच पीपुल हैव अ ग्रेट डिजायर फॉर अदर वेल्थ एंड विमेन। ठीक है, यहां तक कुछ, जुपिटर फिंगर में यहां तक कुछ। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूं मेरे पढ़ाने में अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो वो बताओ, कोई पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं है तो आप वो बताओ कि ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ, तब तो मैं दोबारा पढ़ाऊं, क्योंकि आप बोलोगे याद नहीं हुआ, याद तो आपको पढ़ के करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा। अभी सर अभी तक तो क्लियर है सर। हाँ हाँ क्लियर रहेगा मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, अदरवाइज वो निकल जाएगा दिमाग से। दिस फिंगर इज कॉल्ड द मध्यमा फिंगर, सिग्निफाइज वेल्थ, लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी, अकल्ट साइंस, हार्ड फिजिकल लेबर, डिवेशन टू शिवा।
ये जो सब कुछ पढ़ रहे हैं ये अब हम पामिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में और भी बहुत ज्यादा हो जाता है, हम बहुत लिमिटेड कारक तत्व इसलिए पढ़ रहे हैं, हमको पहले थोड़ा समझना है बाद में डीप में जाना है। ठीक है, सैटर्न फिंगर इज लॉन्गर देन इट्स नेचुरल साइज, इट इंक्रीजेस लॉन्जिविटी एंड गिव्स गुड नॉलेज ऑफ सीक्रेट साइंस लाइक ऑकल्ट। अब सीक्रेट साइंस में ऑकल्ट भी होता है, होम्योपैथी भी होता है, ठीक है, एलोपैथी नहीं आएगा, होम्योपैथी आएगा, या और भी ऐसे कुछ साइंस होंगे जो बहुत सीक्रेट होंगे वो भी इस। मैंने क्या लिखा, इफ सैटर्न फिंगर इज, मगर अब मुझे बताओ आप दोनों अनुज और प्रशांत जी, कैसे पता चलेगा कि सैटर्न फिंगर नेचुरल साइज से बड़ी है, क्योंकि सैटर्न तो वैसे भी बड़ी रहती है। उसका बेस देख के, यदि ये बेस नहीं, बेस भी मान लो कि बेस भी ठीक ही है, फिर कैसे करोगे? हेलो, उसका रेशियो प्रोपोर्शन नहीं रहेगा तो तीनों चारों के। देखो ये 50% होना चाहिए, करेक्ट, मगर मान लो ये 30% हो जाए, तो आपको पता चलेगा ये फिंगर छोटी है कि ये बड़ी है? मैं क्वेश्चन वो पूछा, आप क्वेश्चन समझो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फिंगर छोटी हो गई है कि ये बड़ी हो गई है? आपको समझ में आया मेरा मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो बताओ। हाँ जी, आपको जी बस सर, समझ। तो कैसे पता चलेगा? तो आप उसका बेस देखोगे, ठीक है, किसका, जी, जुपिटर एंड सैटर्न का, सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न जी दोनों का दोनों बेस का। देखोगे, फिर जुपिटर की लेंथ देखोगे, उसके बाद अब एसेस करोगे सैटर्न लंबी है कि नहीं है, समझ रहे हैं? वरना सैटर्न तो बाय डिफॉल्ट जुपिटर से लंबी होगी ही होगी, करेक्ट करेक्ट। इसके लिए मैंने आपको हाँ शुरू सर, में, हाँ बोलिए जी बोलिए, सर, सैटर्न तो लंबी, आई एग्री, आपने जैसे बोला, बट हाँ आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इट इज लॉन्गर एंड इट्स नेचुरल साइज, नहीं समझा। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। इफ सैटर्न इज, सैटर्न फिंगर इज लॉन्गर देन इट्स नेचुरल साइज, अभी हमने नेचुरल साइज पढ़ा, यही होता है ना, ये जुपिटर फिंगर है और हाँ सैटर्न फिंगर है, जी, इस करेक्ट, ये 50% तक आ रही है, करेक्ट, मगर आपने देखा, आपने देखा, अरे ये 50% तक तो नहीं आ रही है, ये फिंगर तो यहाँ तक हो गई है, 30% तक आ रही है, तो आप हाथ देके क्या बोलोगे, जुपिटर जुपिटर स्मॉल हो गई है कि सैटर्न लंबी हो गई, कैसे पता करोगे? सैटर्न लंबी हो गई सर, जुपिटर भी स्मॉल है। नहीं, अभी आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, मैं बोल रहा हूँ, आपने, मैंने ये लिखा सैटर्न फिंगर इज लॉन्गर देन इट्स यूजुअल साइज, यानी ये 50% की जगह पे ये फिंगर 45 या 30% पे पहुंच रही है, तो आप कैसे पता करोगे कि सैटर्न लंबी है या जुपिटर छोटी हो गई है? आप दोनों का बेस देखोगे, ठीक है, अगर जुपिटर का बेस यहां से स्टार्ट हुआ है, करेक्ट, एक्चुअली जुपिटर छोटी हो जाएगी, करेक्ट, हाँ और अगर जुपिटर का बेस बिल्कुल अपने नॉर्मल पोजीशन, आइडियल पोजीशन पे है, उसके बाद भी जुपिटर लंबी है तो जुपिटर लंबी है, सैटर्न लंबी है तो सैटर्न लंबी है, प्रैक्टिस आएगा दोस्त, समझ में नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा, मगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे कि नहीं वो प्रैक्टिस आएगा, मैं एक बार और बना के समझा दूंगा, आप बोलो मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ। फॉर एग्जांपल, जुपिटर फिंगर इज 8 सेंटीमीटर एंड सैटर्न टेन फिंगर पकड़ो, इज जुपिटर इज 10 पकड़ो, 10 10, पकड़ो, हाँ, जुपिटर और सैटर्न इज 12 सेंटीमीटर, तो जो जुपिटर के जो ऊपर वाला फैलेंज है, फर्स्ट फैलेंज, वो इसके आधे से नीचे हुआ, तो हाउ, अगर लेंथ, तो अगर बेस नीचे भी स्टार्ट हुआ या वहां से भी बगल से भी स्टार्ट हुआ, बट छोटी भी छोटी रहेगी ना, मीन, तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू कंक्लूड कि सैटर्न लंबी है। लॉन्गर देन इट्स नेचुरल साइज, करेक्ट है, मैं आपको फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, देखो ये 50% तक होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट होना चाहिए, आपने देखा 50% की जगह, 50% की जगह ये 30% ही पहुंच रही है, ठीक हाँ है, जी, करेक्ट, हाँ जी, अब आप क्या करोगे, आप कैसे बताओगे कि जुपिटर फिंगर छोटी हो गई है कि सैटर्न लंबी हो गई है, यही तो क्वेश्चन है ना,
हाँ जी, हम बेस देखेंगे कि कहाँ आप से शुरू बेस, हो रही है अब आप जगह। 1 मिनट, आपने देखा बेस, बेस आइडियल है, ठीक है, हाँ जी, आइडियल है। इसका आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सेटल मतलब लंबी ये हो हो गया गई, कि सेटल सेटल लंबी लंबी है, है। करेक्ट। अब आपने मगर देखा कि बेस यहाँ नहीं, बेस यहाँ पे है या यहाँ पे है, तब आप क्या ऑब्जर्व करके बताओगे? तो फिर बोलेंगे कि तो सर सेटन लंबी हो जाएगी फिर, तो फिर लंबी सेटल नहीं लंबी, है। तो सैटर्न लंबी तो होगी पर नेचुरल से ज्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि ये 10-20% नीचे से स्टार्ट हुई है ना। क्लियर हाँ जी सर, अब क्लियर हो गया। हुआ? ठीक है, हाँ अभी जी मैं जी आपको, सर, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब इतनी माइन्यूट चीजें हैं, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसे आप देखते हो, वैसे भी अगर आप देखते हो कि जो सैटर्न फिंगर काफी लंबी हो गई किसी की, तो उसके पास अकल्ट साइंस की अच्छी नॉलेज होगी और उसकी लॉन्जिविटी अच्छी होगी, ठीक है। द ट्राइंगल साइन ऑन एनी फैलेंज इंक्रीज द बेनिफिट अमाउंट, सिमिलरली द स्क्वायर साइन एक्ट एज अ शील्ड एंड प्रोटेक्ट द नेटिव फ्रॉम एनी इवेंट। यानी अगर किसी भी फैलेंज पे, पैटर्न के किसी भी फैलेंज पे ट्राइंगल आ गया, तो सैटर्न के सिग्निफिकेंस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, स्क्वायर आ जाएगा तो सैटर्न से रिलेटेड जो भी, जैसे आदमी बीमार पड़ना, ये सब भी सैटर्न देता है। अगर स्क्वायर आ गया तो सैटर्न के ऑल सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब निगेटिव सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो जाएंगे, निगेटिव सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो जाएंगे। जितने निगेटिव कारक तत्व हैं सैटर्न के, वो खत्म हो जाएंगे। हर तरह के प्रॉब्लम से स्क्वायर जो है वो शील्ड करता है, ठीक है। ओके। ए क्रॉस ऑन द सैटर्न फिंगर इज नॉट गुड, रिड्यूस ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ द सनी प्लैनेट। अभी हमने जुपिटर में पढ़ा क्रॉस होता है, करेक्ट, यही तो पढ़ा अभी, अभी ऊपर पढ़ा ना, जुपिटर पे क्रॉस होगा हाँ तो जी क्या सर, होगा, मगर सैटर्न पे क्रॉस आएगा तो सैटर्न पे क्रॉस सेट बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, लॉन्जिविटी, बीमारी और पैसा को लेके बहुत तकलीफ देगा सैटर्न, ठीक है। ओके। और जब भी मैं क्रॉस बोलूं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये समझना है, मैं क्रॉस, क्रॉस और स्टार दोनों एक ही चीज होती है, क्रॉस इज इक्वल टू स्टार, एक ही होता है। अगर मैं कभी भूल जाऊं तो आप ये समझ लेना कि मैंने वहां पे स्टार वर्ड भी यूज किया। ए क्रॉस और स्टार ऑन द सैटर्न फिंगर इज नॉट गुड, रिड्यूस ऑल द सिग्निफिकेंस, ठीक। हाँ जी, मैंने फिर बोला सेट वर्टिकल लाइंस सेकंड और थर्ड फैलेंज आर कंसिडर्ड गुड। अभी क्लियर हुआ होगा ना, जुपिटर समझने के बाद क्लियर होगा मैं वर्टिकल लाइन किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ जी सर, बट इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, ओल्ड एज पर्सन में एप्लीकेबल नहीं होती है, सिक पर्सन में एप्लीकेबल नहीं होती। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि ध्यान रहे भूलो नहीं, ठीक। देखो यहाँ पे ओके। स्टार साइन लिखा है, यहाँ पे स्टार साइन लिख दिया, ठीक, सेम एज क्रॉस साइन, ठीक है। अगर आइलैंड का साइन आ जाता है, आइलैंड का साइन मैंने फिर से बना रहा हूं ताकि आप, राइस ग्रेन या व्हीट ग्रेन की तरह है, अगर वो आता है देन इट डिस्ट्रॉय द पर्सन वेल्थ, गिव डिसीजन पॉवर्टी। आइलैंड का साइन पूरे हाथ में कहीं अच्छा नहीं होता, एक्सेप्शन उसका एक या दो है, वो हम पढ़ेंगे तो आगे आ जाएंगे, पर आइलैंड साइन इज वेरी बैड, ठीक। हाँ प्लीज आपको कभी भी लगे फास्ट जा रहे हैं मुझे बोल देना, कभी भी लगे समझ में नहीं आ रहा, याद आने की बात नहीं कर रहा मैं, रिपीट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ तब मुझे रोकना जरूर। इफ देयर इज ए ग्रिल साइन, ग्रिल साइन मैं वापस से बना रहा हूँ ताकि दिमाग में हमेशा बना रहे, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल, 1 2 3, 3 वर्टिकल, 4 हॉरिजेंटल, बस यही है, इज ए वेरी इनऑस्पिशियस। अगर किसी के फिंगर सैटर्न फिंगर के सेकंड और थर्ड फैलेंज पे ग्रिल का साइन है, तो राजा के यहाँ भी पैदा होगा तो गरीब हो जाएगा, जेल जाने के चांसेस हैं,